तो ऐसे में वॉट आई डिड वॉज वेरी सिंपल कि एक अनुदीप दूरी शेट्टी सर का एक ब्लॉग है जिसमें उन्होंने कुछ टॉपिक्स को लिस्ट किया हुआ है पास्ट या पेपर्स का एनालिसिस करके एंड सेकेंडली ऑल्सो ही हैज़ अपलोडेड सेवन टू एट पेजेस का अपना एक कोई पर्सनल पी डी एफ जो उन्हें बनाया था सो आई डाउनलोडेड दैट उसका एक प्रिंट आउट निकाल लिया दो टॉपिक्स दैट आर गिवन देयर उसका सबसे सिंपल ये किया कि उसके कुछ कोड्स उसके कुछ एनेक्डोट्स और उसके कुछ पॉइंटर्स को एक शीट पर नोट कर लिया हाउ डू यू फाइंड अ कोट सिंपल गूगल सर्च करना कोड्स ऑन हेल्थ कोड्स ऑन वूमन एम्पावरमेंट कोड्स ऑन एजुकेशन उसमें भी वॉट आई यूस टू डू वज टू गो इन टू द इमेजेस सेक्शन ऑफ गूगल रादर देन रीडिंग द आर्टिकल्स क्योंकि आर्टिकल अगर आप खोलोगे उसमें दस कोड दिखा देगा एक साथ समझ नहीं आता ये वाला याद करें कि ये वाला याद करें इमेजेस सेक्शन पे जाओ दो तीन जो भी कैची सी इमेजेस दिख रही हैं एंड ही बात है फेमस पर्सनालिटीज के सबसे ऊपर आएंगे उन इमेजेस में जो दो तीन रेलेवेंट कोड्स लग रहे हैं पांच छह लग रहे हैं उनको नोट डाउन कर लो इन अ शीट ऑफ पेपर अगेन लिमिटेड ही रखना है ये नहीं कि 20 तीस कोड एक टॉपिक पे याद कर लिए दैट इज़ नॉट पॉसिबल चार से पाँच मैक्सिमम ऑन वन पर्टिकुलर टॉपिक उसको नोट डाउन कर लो सेकेंड दिस इज हाउ यू गो अबाउट प्रिपेयरिंग योर कोर्ट्स ठीक है नाउ पीपल विल आसमी कि पूरा कोर्ट एग्जैक्टली exactly याद करना है या फिर कैसे याद करें कुछ कुछ कोर्ड्स डिफिकल्ट है नहीं समझ आते वॉट यू हैव टू डू इस अगर पूरा कोर्ट नहीं भी याद हो रहा है उसके कुछ की याद कर लो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है uh, फॉर एग्जाम्पल एक कोर्ड था समथिंग सनलाइट इज अ डिसइंफेक्टेंट आगे आगे कुछ है यू डू नॉट रिमेंबर कि पूरा कुछ क्या है बट सनलाइट इज अ डिसइंफेक्टेंट इतना कुछ वर्ड ठीक है वो आप कहीं आंसर में उसको फिट इन कर सकते हो तो इस तरीके से अगर पूरा कोर्ट नहीं भी याद हो रहा है तो कीवर्ड्स को याद करो जहां पे भी रेलिवेंट लगे एटलीस्ट वो कीवर्ड्स आपकी लैंग्वेज को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा बिकॉज अलॉट ऑफ पीपल विल से की वी डो नॉट है अ गुड लैंग्वेज ऐसे नहीं लिखा जा रहा है क्या लैंग्वेज मैटर करता है अच्छे फ्लारी वर्ड्स लिखना मैटर करता है फ्लारी वर्ड्स लिखना फैंसी वर्ड्स लिखना कहीं मैटर नहीं करता मीन्स में सिंपल आइडियाज़ को एक्सप्लेन करना है बट इफ़ यू यू कैन यूज़ दीज कोड्स तो उससे थोड़ा सा एक इम्पैक्ट जो है वो अच्छा बन जाता है थोड़ा सा लगता है दैट यू आर अ लिटिल वेल रेड तो उस तरीके से आप कोड्स को यूज़ कर सकते हैं कोड्स विल हेल्प यू इधर इन योर इंट्रोडक्शन और योर कंक्लूजन अगर आप उनको वर्बैटिम यूज़ कर पा रहे हैं तो अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो उनके जो की हैं उनको आप अपनी बॉडी ऑफ द एस में यूज करेंगे तो दैट इज हाउ द कोर्ट्स विल बी हेल्पफुल टू यू सेकेंड उसमें करना है प्रिपरेशन ऑफ एनेक्डोड्स ठीक है विच इज़ वेरी कॉमन एनेक्डोड मीन्स अ स्टोरी लाइन दैट यू आर टेलिंग समथिंग रिलेटेड टू द थीम ऑफ द एस सो इफ आई कैन गिव यू बाय एन एग्जाम्पल तो एक टॉपिक था द विंटर ऑफ डिसकंटेंट हैज़ टू बी मेड इन टू अ ग्लोरियस समर दिस वॉज वन ऑफ द एस का टॉपिक दैट आई रोड इन द टेस्ट अब सुनने में बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है कि यार विंटर ऑफ डिसकंटेंट हैज टू बी मेड इन टू अ ग्लोरियस समर ठीक है तो इसको जब आप करोगे तो वॉट यू हैव टू डू इज यू स्टार्ट बाय आस्किंग अ फ्यू क्वेश्चन कि कैसे करेंगे वट इज अ विंटर विंटर वुड बी वॉट समथिंग विच इज वेरी हार्श विच इज वेरी एक्सट्रीम ठीक है जहां पे सर्वाइव करना मुश्किल होगा तो इन जनरल लाइफ वॉट कुड बी अ विंटर पर्सनल लेवल पे हो सकता है कोई डिमोटिवेटेड है किसी की लाइफ में फेलियर्स हैं दैट इज विंटर फॉर अ पर्सन अगर ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे देखें वॉट कुड बी अ विंटर की वॉर चल रहा है ब्लड शेड हो रहा है लॉट ऑफ पीपल आर डाइंग दैट इज अ हार्श एक्सट्रीम कंडीशन इकोनॉमिक लेवल पे वॉट कुड बी अ विंटर की इन्फ्लेशन हो रहा है पॉवर्टी है इकोनॉमिक uh, रिसेशन चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है दैट इज अ विंटर ठीक है सोशल लेवल पे विंटर क्या हो सकता है विमेन की पोजिशन बहुत ज़्यादा खराब है पेट्रीआर है वायलेंस अगेंस्ट विमेन वायलेंस क्राइम अगेंस्ट विमेन दिस इज विंटर इन्वायरमेंटल एंगल पे विंटर क्या हो सकता है विंटर कुड भी समथिंग इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है डिफॉरस्ट्रेशन हो रहा है डी ग्लोबलाइजेशन ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ऑल ऑफ दैट इज विंटर ठीक है सो नाउ यू गेट सो मेनी पॉइंट्स अबाउट वॉट इज विंटर, सो विंटर हैज़ टू बी मेड इन टू अ ग्लोरियस समर विंटर ऑफ डिसकंटेंट सो नाउ वॉट कुड बी डिसकंटेंट डिसकंटेंट बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स नाउ दिस वॉट आई एम टेलिंग यू राइट ना जस्ट टू गिविव यू अ ब्रॉड आइडिया की कैसे अप्रोच करना है वैन यू आर राइटिंग इट तो थोड़ा सा फ्लो बनेगा आइडियाज वैसे एक्सप्रेस होंगे रेलिवेंट टू द टॉपिक तो इसमें इफ़ आई वर टू राइट कि विंटर ऑफ डिसकंटेंट हैज़ टू बी मेड इन टू अ ग्लोरियस समर वॉट स्ट्रैटेजी आई यूज की एनेकडोड इसका कैसे बनाएं सिंपल मैंने ऐसा स्टार्ट किया कि uh, इंडिया के परस्पेक्टिव से इफ़ यू टेक बैन एग्जाम्पल तो शुरू में ब्रिटिश आए देर व डिसकंटेंट विंटर चल रहा था बिकॉज बहुत ज्यादा उनको टॉर्चर हो रहा था इशूज थे बीच बीच में जलियावाला बाग टाइप इंसिडेंट हो गए मैसेव मैसेकर हो रहा है ब्लड शेड हो रहा है ऑल ऑफ दैट ग्रेजुअली आते आते इंडिपेंडेंस तक का पोर्शन डिस्क्राइब किया कि वी फॉर्ट क्विट इंडिया आया सिविल डिसोबिडियंस आया हमने इंडिपेंडेंस सीख किया स्टिल देर आर सम प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिया की उतनी अच्छी नहीं थी एग्रीकल्चरल क्राइसिस था नाइनटीन सिक्सटीज के टाइम पे वी हैड टू इम्पोर्ट वीट नहीं था हमारे पास उस टाइम पे रिसोर्स ऑल ऑफ दैट वॉज स्टिल विंटर बट टूडे वॉट इंडिया इज इट इज बिकमिंग अ सुपर पावर इट इज़ बिकमिंग अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन तो ये ये सारी चीजें अ विंटर ऑफ डिसकंटेंट था कि हमारी काफी चीजें खराब हुई हैं वी हैव टू टर्न इट इंटू अ ग्लोरियस समर वॉट इज अ ग्लोरियस समर जो अभी हमारे साथ चल रहा है जो अच्छी चीजें हमारे साथ हो रही है इस आइडिया को दिस एनेक्डोट दैट आई हैव मेड आई हैव रेड नथिंग न्यू मैंने हिस्ट्री में जो पढ़ा था आई जस्ट यूज दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉलेज टू शो कि यार ये मेरा एनेक्डोट है यहां से स्टार्ट करना है जो आई आर मैं पढ़ रही हूं अभी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है मिनिस्टर ने कुछ बोला है कहीं पे वो सारी इन्फॉर्मेशन को ग्लोरियस समर में बताया गया है ठीक है तो बेसिक आइडिया को यूज करके बस दिस विल कम ओनली विथ प्रैक्टिस लगने में सुनने में टॉपिक बहुत ज्यादा मुश्किल लगा सडनली अगेन आई नो दिस क्वेरी विल कम की फिलोसॉफिकल टॉपिक्स कैसे प्रैक्टिस करना है दिस इज मॉरल एज अ फिलोसॉफिकल टॉपिक इसको आप अलग अलग एंगल से आगे एक्सप्लोर करोगे एज आई सेड अब जब आप स्टार्ट करोगे तो वहां पे आप कुछ एग्जाम्पल पर्सनल लिख सकते हो कि सम डिमोटिवेशन इन लाइफ सम फेलियर वॉज विंटर आगे जाके उसको एक एंड अगेन जब आप ऐसे सोचोगे तो आपके डायमेंशन रिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे सी फॉर मी नाउ मेरे को कितने सारे पॉइंट्स मिल गए नाउ टू राइट वन थाउजेंड पॉइंट इन दिस आधे में मैं प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब करूंगी उसके आगे उसका सोल्यूशन दूंगी थोड़ा सा वे फॉरवर्ड दूंगी एंड आई एम डन विद इट तो सोचने में भी कम टाइम लगता है जब आप इस तरीके से एंगल से सोचते हो तो वेन एवर यू आर थिंकिंग अबाउट एन एस एल्सो ऑलवेज थिंक सोशली क्या हो सकता है पॉलिटिकली इन्वायरमेंटली कल्चरली एक टॉपिक पे नहीं रिस्ट्रिक्ट करना है ऐसे राइटिंग में ठीक है सो दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर योर एनेकडोड्स एनेकडोड्स आप एक तरीका और हो सकता है कि कहीं पे आप क्रिएटिव स्टोरी राइटिंग का भी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन जो थोड़ा लिख सकता है वैसे कर सकता है तो वो कर लो वैसे नहीं भी कर सकते हो तो न्यूज पढ़ रहे हो कहीं से आपने कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी पढ़ ली फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप एक्स वाई जी बहुत जगह इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है उसको मोल्ड करके अपने आंसर्स में लिख लो अगेन एक और एग्जाम्पल से बताऊंगी ऐसे में कभी भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है ऐसे पेपर एथिक्स पेपर दो ऐसे पेपर्स हैं जो आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आप अपने आप को खुला होकर एक्सप्लोर करो क्रिएटिविटी दिखाओ डायमेंशन दिखाओ लेट दी एग्जामिनर नो वॉट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन यू आर तो वहां पे खुद को होल्ड बैक नहीं करना है जो कि आपको जीएस पेपर्स में काफ़ी बार करना पड़ जाता है वो ऐसे में आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि आप फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस करो देर वॉज दिस ऐसे आई रिमेंबर एक टॉपिक था वी ऑल के नॉट सक्सीड इफ हाफ ऑफ अस आर हेल्ड बैक और समथिंग लाइक दैट आई के नॉट रिम्बर एग्जैक्ट टॉपिक बट ऐसा कोई ऐसे का टॉपिक था

It could be वलनरेबल्स एस सीज एस poor people, all of that. Environmentally, दैट इन्वायरमेंटली अगर किसी को इशूज हुआ है कि जो displaced है those could be half of the people. So in this way, I try to explore my dimensions. तो अब हर किसी का अगर मैं एक एक टॉपिक भी पिक करूं तो वेमेन पे चार पॉइंट आ जाएंगे कि वीमेन के क्या इशूज़ हैं वीमन का कैसा वे फॉर्वर्ड होगा कैसे उसको इम्प्रूव करेंगे इफ़ आई पिक इशूज़ विथ रिलेशन टू ट्रांसजेंडर्स तो ट्रांसजेंडर्स के अभी क्या इशूज हैं उनको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं आगे जाके क्या वे फॉरवर्ड होगा इफ़ आई से फर ट्राइबल पीपल तो उनके लिए कुछ इशूज पता चल जाएंगे इन दिस वे यू आर एक्सप्लोरिंग योर डायमेंशन तो आप जिस बच्चे को सिर्फ विमेन के बारे में पता है तो उसको प्रॉब्लम होगा टू राइट वन थाउजेंड वर्ड क्योंकि आप वन थाउजेंड में कितना सारा विमन विमेन विमेन रिखोगे ऑल्सो फ्रॉम द एग्जामिनर परस्पेक्टिव यू विल सिर्फ विमिन के बारे में लिखा है इफ यू गिव न्यू डायमेंशन तो देर इज ऑलवेज अ स्कोप की मार्क्स बेटर आएंगे बिकॉज पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग दिखाता है कम इन्फॉर्मेशन में ज्यादा चीजें आप अपने पेपर में लिख पाओगे ऐसा नहीं है कि अब आपको विमेन के बारे में ज्यादा नहीं भी पता तब भी बिकॉज यू जस्ट नीडेड वन पेज अगर आप सिर्फ विमेन के बारे में लिखते हैं आपको दस पेज पे लिखना पड़ता है उतनी इन्फॉर्मेशन शायद हो ही ना सो ऑलवेज एक्सप्लोर योर डायमेंशन एज मच एज पॉसिबल इन योर एसेज आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू रिसोर्स फॉर योर एसे कोई भी नया सोर्स मटीरियल नहीं पढ़ना है जो पढ़ा है बस उसको सम्हा दिखा के आना है पेपर में आई एव ऑलरेडी स्टेटेड बाई टू एग्जाम्पल्स की कैसे करना है सो आई थिंक मोरल लेट दिस शुड बी दी अप्रोच जब आप एग्जाम में जाएंगे तो थोड़ा सा लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए यू शुड हैव रिटन एटलीस्ट लेट्स से टेन एसेज विच आई बाई मीन आई मीन दैट फाइव टेस्ट पेपर्स क्योंकि एक टेस्ट में दो एसेज का टेस्ट होगा तो उतने एसेज तो आप एटलीस्ट लिख के जाएं बिकॉज उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है यू कैन नॉट गो इन द एग्जाम हॉल की कुछ भी नहीं लिखा है और सीधे वहाँ जाके लिखेंगे ऐसी क्रिएटिविटी आज तक किसी की नहीं आई और ना आएगी ठीक है वहां पे जाके कुछ ना कुछ मैसअप ज़रूर हो जाएगा एग्जाम का प्रेशर है स्ट्रेस है तो डू नॉट डू दिस कुछ ऐसे प्रैक्टिस कर लो फिलोसॉफिकल एसेज में आई नो दिस विल बी अ बिगेस्ट क्वेरी कि यूपीएससी सारा फिलोसॉफिकल पूछ रहा है अब इसको कैसे करें ट्राई एंड मेक फिलोसॉफिकल ऐसे एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल अभी मैंने एक एग्जाम्पल से बताया है यूपीएससी में ऐसे आया था द बेटर प्रैक्टिसज हैव टू बी द वी हैव टू द बेस्ट प्रैक्टिसज हैव टू बी मेड बेटर समथिंग ऑन दोज लाइन्स अगेन सुनने में बहुत लग रहा है कि यार अजीब सा कि क्या ही लिखेंगे

तो विमेन का प्रॉब्लम है कि पंचायत पति का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम या सरपंच पति पढ़ते हैं सो दैट इंप्लीमेंटेशन एस्पेक्ट हैज टू बी स्ट्रेंथन देन इट विल बिकम अ बेटर प्रैक्टिस सो दैट इज वन एस्पेक्ट कोविड के टाइम पे था कि लॉकडाउन वॉज कंसिडर्ड एज अ बेस्ट प्रैक्टिस नाउ हाउ कैन इट कुड हैव बीन मेड बेटर कि हम लोगों ने कुछ ऐसा किया होता कि एक बायो बबल्स क्रिएट किए होते तो शायद मेंटल हेल्थ का जो इशू आ रहा था वो नहीं आता एकदम से जो सडन क्राइसिस हो गया था वो नहीं होता तो दैट कुड हैव बीन अ बेटर प्रैक्टिस इकोनॉमिक एंगल से सोचें तो वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स दैट इज कंसिडर्ड एज अ बेस्ट प्रैक्टिस अब उसमें इशू होगा कि हर कंट्री बोल रही है कि अलग अलग टैक्स रेट होगा दे आर नॉट एबल टू कम अप कि कितना मिनिमम रेट होना चाहिए तो अब बेटर प्रैक्टिस वुड बी कि सब एक मिनिमम रेट हम प्रॉपर डिसाइड कर पाएं ताकि हर कंट्री को एक फेयर ट्रीटमेंट मिले सो समथिंग ऑन दीज लाइन्स की हर टॉपिक पे एक एंगल को सोचने की कोशिश करो वॉट हाउ वाई वेन पोज दीज क्वेश्चन फॉर एवरी सिंगल काइंड ऑफ अ टॉपिक दैट यू आर राइटिंग तो फिलोसॉफिकल ऐसे भी काफी हद तक ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है एंड विद वॉट एवर नॉलेज दैट यू हैव यू विल बी एबल टू राइट आंसर्स अगेन कोई ऐसा टॉपिक है तो उसमें पर्सनल एंगल पे वॉट हाउ वेन इट कुड बी बेटर लाइक जैसे मैंने अभी विंटर वाले में डिस्क्राइब किया कि पर्सनल लेवल पे भी आप उसमें एग्जाम्पल्स एड कर सकते हो सो दिस इज हाउ यू विल ट्राई एंड राइट योर एसेज तो आई थिंक दिस शुड सफाइस कोई भी नया मटीरियल इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ना है एसेज के लिए जो है बस उसको यूज़ करना है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है दिस इज़ ऑल फॉर एसे फ्रॉम माई साइड